हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। सबका वेलकम करना चाहूँगा आज के इस लाइव सेशन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का लाइव सेशन जो होने वाला है, बेसिकली वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आई होंगी। किसी ने अलग तरीके से बताया होगा, किसी ने संभावनाओं से बताया होगा, किसी ने अपने अनुमान से बताया होगा, हर किसी ने अलग अलग तरीके से बताया होगा। तो आज मैं वो क्लियर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। ये अगले 5 से 10 मिनट में इस प्रोजेक्ट के बारे में जो लंबे टाइम से चर्चाओं में है, पिछले 1-1.5 महीने से जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं, सबके कुछ ना कुछ जहन में, क्योंकि हम एक दूसरे से कोलैबोरेटिव, इमोशनली समटाइम प्रोफेशनली समटाइम टेक्निकली कनेक्टेड होते हैं। और आज डिजिटल युग में कनेक्टिविटी अपने आप में ही एक बहुत आसानी का, मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम बनता जा रहा है। और आज बहुत इजी तरीके से हम इवन एक प्लेटफॉर्म पे काम ना करते हुए भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों की सारी इंफॉर्मेशन और सबको हम वॉच आउट करते रहते हैं। तो उन सभी शुभ चिंतकों का जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग या और जो भी शुभ चिंतक हैं, सभी का जो कंसर्न था, उस कंसर्न में मैं जो भी वेल विशर है या जो भी हमें जानते हैं, उन सबको का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना ढेर सारे मैसेज भी भेजे जानने के लिए कि क्या करने वाले हैं, क्या क्या करोगे आने वाले टाइम में। इन सारी चीज़ों का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप इतना कंसर्न रखते हो, इतनी उपेक्षाएं रखते हैं। और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से जो मेरा अनुभव रहा है, जी प्रोडक्ट एक्सपर्ट या वेलनेस एक्सपर्ट की बात करें या न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट की बात करें, तो यही है। क्योंकि ये इंडस्ट्री पॉजिटिविटी की है, ये इंडस्ट्री उस आम तबके से लेके, यानी कि आम से लेके खास तक का सफर की इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में हम एक दूसरे से अच्छी उपेक्षाएं रखते हैं कि कोई भी कुछ भी लेके आ रहा है कि पहले से बेहतर लेके आए। तो यही उपेक्षाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक ही चीज़ है इस दुनिया में, चेंज। और उस कॉन्स्टेंट जो एक चीज़ है जिसका नाम चेंज है, तो वो चेंज बेहतरी के लिए होना चाहिए, बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, फ्यूचर के लिए होना चाहिए, कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, और जो साथ में लोग काम कर रहे हैं एज ए टीम, एज ए पार्टनर, उन सभी के लिए वो चेंज एक स्टेबल चेंज होना चाहिए। जहां तक हमारी आइडियोलॉजी का मैं जो आइडियोलॉजी आपके सामने बता रहा हूं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमेशा ही इंक्लूसिवनेस में रही है, एक्सक्लूसिव नहीं रही है। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि सबकी ग्रोथ की बात की है, सबकी स्टेबिलिटी की बात की है। चाहे वो प्राइस की हमने लास्ट टाइम बात की, तो सबके लिए वो एक तरीके से सबके फेवर की बात थी। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात हमेशा रही है। और इस इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से मैंने जो अपना, ये मेरा अपना विजन है या अपना देखने का समझने का एक तरीका है कि इस इंडस्ट्री में जो स्कोप है, एज ए इंडिया, एज ए कंट्री में बात करूं, जो बहुत मैसिव और बहुत हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, वैसी कंट्री में इस तरह के बिजनेस मॉडल का बहुत बड़ा आने वाला एक स्कोप है। उसी चीज को देखते हुए पिछले 7 साल में जो सीखा है, प्रोफेशनली इसको हम आगे लेके जा रहे हैं इस जर्नी को। और इस जर्नी में हम उन सारी संभावनाओं पे विराम लगाना चाहते हैं जो कि अलग अलग तरीके से पूछी जा रही थी। वो विराम है कि हम एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं। उस कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में होगी, वो 14 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा 14th of Jan हमारा सेलिब्रेशन होगा, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेशन, PID सेलिब्रेशन। इसका मतलब समझते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की, जिसमें आप 3P 4P, जो भी हम पी की बात करते हैं, चाहे वो हमारी प्रोफाइल हो, चाहे हमारा प्रोडक्ट हो, प्लान हो, हम 14 तारीख को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। तो ये संभावनाओं के बाजार में जितनी भी संभावनाएं चल रही थी, उसको मैं एज ए डॉक्टर विक्रांत पूरे
विवेक के साथ पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताना चाहता हूं कि 14 तारीख को वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू कंपनी और उसमें सबसे पहला फैक्टर होने वाला है इंक्लूसिवनेस। या एक्सक्लूसिव की बात नहीं हो रही कि भाई इंक्लूसिव का मतलब है कि भाई सबसे पहले हमने फोकस किया है कि स्टेबिलिटी। और इस इंडस्ट्री में मैं 7 साल से देख पा रहा हूं, हर कोई किसी को ज्वाइन करता तो पहले स्टेबिलिटी को लेके सवाल उठते हैं। स्टेबिलिटी को लेके सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि वो उसकी जिंदगी की लास्ट कंपनी होनी चाहिए, वो मेहनत करे, वो पैसिव इनकम से लेके लिवरेज इनकम की जो बात करता है वो इसलिए सिक्योर होना चाहता है कि यहां मेहनत करूं तो पूरी जिंदगी और नेक्स्ट जनरेशन तक मैं इसको यदि पैसिविटी को ले जा पाऊं तो मेरे लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा काम होगा। तो यहां सबसे पहला कंसर्न किसी भी डायरेक्ट सेलर का होता है वो स्टेबिलिटी का होता है और हमारा भी यही मानना है कि स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्टेबिलिटी विजन से क्रिएट होती है और विजन मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसको हम प्रोफेशन मानते हैं, ना कि कोई स्कीम मानते हो ना कि कोई थोड़े दिन का काम होता है। प्रोफेशनली हमारा विजन है कि इस इंडस्ट्री में हमारा बिलीफ है। दूसरा, अच्छे प्रोडक्ट राइट प्राइस पे प्रोडक्ट देना हमारा विजन रहा है, हमारी आइडियोलॉजी का एक हिस्सा रहा है और आने वाले टाइम में भी हम इसी विजन को जो प्रोडक्ट में जहां साइंस से लेके सेफ्टी से लेके सस्टेनेबिलिटी से लेके राइट प्राइस तक की जो बात की जा रही है वो आगे और नेक्स्ट लेवल पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जो कि रिसेंटली आपने पोस्टर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा कि हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक नया कॉन्सेप्ट जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेके आने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनली शोर मचाना चाहते हैं, हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं, हम मोर पोटेंट बनाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट में जो एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट है उनको और क्लियर तरीके से और अच्छी फॉर्म में लेके आने वाले हैं नए प्रोजेक्ट में। यहां पे जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी विजन से स्टार्ट होती है। क्या आपका विजन इस इंडस्ट्री को में है या नहीं है, क्या प्रोडक्ट में आपका विजन है या नहीं है, क्या आप जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो प्लान लेके आ रहे हो क्या आप उसमें विजनरी हैं या नहीं है, और उन सारी चीजों के बाद एक सिस्टम एंड प्रोसेस, जो मेरा एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते मैं बिलीव करता हूं प्रोसेस में, मैं बिलीव करता हूं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में, मैं बिलीव करता हूं एक सिस्टम में, यानी कि जहां पे सेकुलर हो। सिस्टम सेकुलर का मतलब ओनली जात धर्म नहीं, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी वाला होना चाहिए, जो कि हमने पहले भी इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि यहां पे भी पहले दिन से हम क्लियर करने वाले हैं कोई भी पावर लैग या कोई भी एक तरीके से किसी को सुपर आईडी देने का काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो हमारा प्लान सेकुलर रहेगा, जो जिस टाइम पे आएगा उसी टाइम पे ही डे फर्स्ट से ही उसी तरीके से प्लेसमेंट होगी, एक पैन कार्ड से एक आईडी लगने का। इसमें और मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, ये कोई हम स्कीम या कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहे, हम इसको प्रोफेशनली लेके आ रहे हैं कि ये कंपनी जो बनने जा रही है इसकी नींव प्रोफेशन के और प्रोसेस के वर्ड से होने वाली है। और स्टेबिलिटी में हम, मेरा मानना है कि बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट होने के नाते कि स्टेबिलिटी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप होती है, बट उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रमोशन में बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, पर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक बार अंतर देखना पड़ेगा, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मैं आज सोच रहा हूं या आप सोचते हैं, क्या उसको साक्षात फिजिकली लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। जो आज मेरा विजन है प्रोडक्ट में, आज जो विजन है इस कंपनी को आगे लेके जाने का, क्या वो साक्षात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो आपका प्रमोशनल टीम क्यों ना हो, एजुकेशन सिस्टम क्यों ना हो, और चाहे आप उसमें यदि हम बात करें रॉ मेटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट की जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस की बात करें, सारी चीज स्टेबलाइज होंगी तभी हम स्टेबल फ्यूचर की बात कर सकते हैं। हम ओनली विजन से आगे तो बढ़ सकते हैं पर विजन को बैकअप देने के लिए यदि आपके पास स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे
सपोज करो आज मेरा आइडिया है बींग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आने वाली समस्याएं हैं लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या जो भी वट एवर जो एक नई रिसर्च में कोई चीज निकल के आती है, उस आइडिया के बाद मेरे अंदर एक दिमाग में मॉडल बनता, उस दिमाग के मॉडल को क्या मैं प्रोसेस करके साथ साथ उतार सकता नहीं उतार सकता, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इस कंपनी की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग डे फर्स्ट से, और खुद इस यही कंपनी मार्केटेड बाय और यही कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय होने जा रहा है। इससे करने से क्या होगा, हम सेफ प्रोडक्ट दे सकते हैं। सेफ प्रोडक्ट का मतलब जो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड हो, उसकी क्वालिटी के पैरामीटर निर्धारित हो, उसके इंग्रेडिएंट क्लियर कट क्लीन लेबल टेक्नोलॉजी हो, और जो उसमें लिखा है वही उसमें हो, तो ये सिक्योर हो जाता है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इनोवेशन। अपने आइडिया को फिजिकली आप ग्राउंड पे लेवल पे कैसे उतार सकते हो जो आम लोगों के लिए प्रयोग में आ सके, वो अपने लिए यूज कर पाए। तो इनोवेटिव जो आइडियाज हैं वो लैब में जाते हैं, लैब से वो प्रोसेस में जाते हैं, प्रोसेस के बाद वो एज फाइनल प्रोडक्ट साक्षात हमारे हाथ में आता है। तो इनोवेटिव रहने के लिए आपको ब्रेन सेट, सबसे पहले ब्रेन चाहिए, उसके लिए उस ब्रेन के आइडिया को उतारने के लिए एक अच्छा इनोवेटिव रिसर्च डिपार्टमेंट चाहिए। डे फर्स्ट से क्लियर कट, डे फर्स्ट से हम उसको साथ में सबके सामने रख के चलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप इसमें इसका हिस्सा बनने के बाद ये फील ना हो आपको कि मैं कम रह गया दूसरा ज्यादा हो गया, यानी कि एजुकेशन सिस्टम सबके लिए समान, बिजनेस प्लान एंड अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान, और आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर जो सिस्टम है, यानी कि आपके फैक्ट्री से लेके आपके एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का जो एक प्रोसेस है, उसको डे फर्स्ट से सस्टेनेबल बना रहे हैं हम। हमने वो सारी जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट में हम नहीं कर पाए थे, बहुत सारे लोग उसे लोगों ने सजेस्ट भी किया और उसे सीखने का मौका भी मिला, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि यदि जो भी हमारा प्रोसेस का फेलियर रहा होगा लास्ट टाइम में, इस टाइम पे मोर सस्टेनेबल एंड मोर स्टेबल और मोर पिन पॉइंट, जिसको आप पेनिट्रेटिव आप बोल सकते हैं, वो डे फर्स्ट से हम लाने जा रहे हैं। यानी कि स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, साइंटिफिक और साइंटिफिक के बाद सेकुलर, सबके लिए समान, यानी कि जिसमें जात पात धर्म कोई नहीं देखा जाने वाला, ये सारी चीजें हम इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं। 14 तारीख को डेट या नोट कर लीजिए, जितने भी शुभचिंतक हैं जो इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो डे फर्स्ट से हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा मिलेंगे, क्योंकि यहां पे ना तो मैं कोई लोभ ना कोई लालच ना इधर से तिकड़मबाजी करने आया हूं। मैं इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनली तरीके से आप लोगों के साथ सीख के, आप लोगों के साथ चल के आगे बढ़ाने आया हूं, और आप लोगों को उसका साथ मिलेगा तो हम बहुत नेक्स्ट लेवल का एक अच्छा एम्पावर बोले, एम्पायर बोले, कुछ भी बोले, एक अच्छा, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली इसको आगे लेके जाएंगे। और जितने भी शुभचिंतक हैं उनकी वेल विशिंग, उनकी ब्लेसिंग हमें चाहिए, और आपकी ब्लेसिंग से ही हमें एक तरीके से वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है कि हम आगे और बेटर कर पाए, क्योंकि इंसान को माना जाता गलतियों का पुतला, और गलतियों से ही सीखा जाता, और जो गलती नहीं करता ये मेरा मानना है वो सीख नहीं रहा है। सो जो भी चीजें आप आने वाले टाइम में, वी आर एक्साइटेड प्रोफेशनली एक्साइटेड हैं, बिकॉज इस एक्साइटमेंट के पीछे देर इज ए एक्सपीरियंस जो 7 साल और मेरे साथ इसमें जितने भी पार्टनर आ रहे हैं, ये यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वी आर ऑल वर्किंग पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि एक साथ मिलकर हम डेवलप करने वाले हैं। और 14 तारीख को जब हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, आपको बिलीफ आ जाएगा कि वी आर गोइंग टू बी ए मोर स्टेबल कंपनी, जो आप
अपना भविष्य उसमें तलाश सकते हैं, अपनी ग्रोथ उसमें सब तलाश सकते हैं, और इक्वलिटी इक्वलिटी फॉर ऑल उसमें तलाश सकते हैं। सो इतना ही कहना चाहूंगा, 14 जनवरी PID डे सेलिब्रेशन यानी कि प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए और जानिए कि हम क्या लेके आ रहे हैं, और अपनी गुड विशेस एंड ब्लेसिंग जरूर आप भेजिए, क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ी पावर में किसी में नहीं मानता, ना मैं पैसे में मानता हूँ, ना मैं पोजीशन में मानता हूँ, ना मैं किसी चीज में नहीं मानता। जनता जनार्दन की पावर जनता भगवान होती है, और जो जनता हमारे को ब्लेसिंग्स देगी, जो विशेस देगी, उसको हम सिर माथे रख के जरूर एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा, तो जरूर एक इस नेक्स्ट मिशन में जरूर हम एक बेहतरीन कंपनी बनके दिखाएंगे, और जो इंडिया नहीं इंटरनेशनली जानी जाएगी आने वाले टाइम में। सो सबको बोल सके नमस्कार बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद इस जर्नी में जरूर मांगना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।